फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल अनीताज किचन। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली पटेटो। ये एक इंडो चाइनीज रेसिपी है और सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और इसे बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो चलिए जल्दी से इस डिलीशियस रेसिपी के सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर इस रेसिपी को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। चिली पटेटो बनाने के लिए हमें चाहिए दो आलू लंबे पीसेस में कट किए हुए, दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, चार लहसुन की कलियां, एक प्याज, एक शिमला मिर्च, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, दो चम्मच रेड चिली सॉस, एक बड़ा चम्मच टमाटो केचप, एक छोटा चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच विनेगर, हरा धनिया और तेल। चिली पटेटो बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को ऐसे लंबे पीसेस में काट लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसके साथ साथ स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बेसिकली हमें यहाँ पर इतना कॉर्नफ्लावर चाहिए जितना आलू पर अच्छी तरीके से कोट हो जाए। मैंने यहाँ पर दो आलू का इस्तेमाल किया है और उसके अंदर दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है। अब आप इसे इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, आलूओं पर कॉर्नफ्लावर बिल्कुल अच्छी तरीके से कोट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा मीडियम गरम हो गया है। अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। ध्यान रखें, तेल ना हमारा ज़्यादा गरम होना चाहिए ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ये मीडियम गरम होना चाहिए और हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। कई लोग आलू को पहले आधा उबाल लेते हैं उसके बाद इसको फ्राई करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इसे डायरेक्टली भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आप इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बाहर से तो क्रिस्पी बनेंगे ही, साथ के साथ अंदर से भी बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं आलू, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, बहुत क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम इसकी सॉस रेडी करेंगे। तो सॉस रेडी करने के लिए पहले हम कढ़ाई में डेढ़ बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गरम होने देंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसके अंदर लहसुन डाल देंगे। मैंने यहाँ पर चार लहसुन की कलियों का इस्तेमाल किया है। जब लहसुन थोड़ा सा पक जाए तब हम इसके अंदर प्याज भी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने प्याज को मीडियम स्लाइसेस में कट किया है, ज़्यादा पतले नहीं काटे हैं। अब हम इसमें दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। अब इसके साथ साथ ही हम इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक शिमला मिर्च ली है और उसे लंबे पीसेस में कट किया है। अब हम इसमें थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ध्यान रखें, हमने आलू में भी नमक डाला था तो इसमें थोड़ा कम नमक डालें और इसे सॉटे कर लीजिए। हमें इसे हल्का सा सॉटे करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमें इसका क्रंच चाहिए। ये देखिए, ये सॉटे हो चुके हैं, थोड़े क्रंची भी हैं। अब हम इसके अंदर दो चम्मच रेड चिली सॉस डाल देंगे, एक बड़ा चम्मच टमाटो केचप, एक छोटा चम्मच सोया सॉस और एक चम्मच विनेगर डाल देंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर से इसे मिक्स करेंगे। अब हम एक कटोरी में एक चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक घोल रेडी कर लेंगे। ध्यान रखें, इस घोल में बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए। अगर लम्स पड़े तो आप इसे इस तरीके से निकालते रहिए और एक परफेक्ट घोल रेडी कर लीजिए। ये देखिए, घोल हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे सॉस में डाल देते हैं। इस घोल से क्या होता है कि ये जो सॉस की कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक हो जाती है और एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें मिल जाती है सॉस के लिए। अब हम इसे पका लेंगे।
ये देखिए सॉस की कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे जो हमने फ्राई किए हैं। अब हम इसे सॉस के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसके अंदर थोड़ा टैंगी फ्लेवर चाहिए तो आप इसके अंदर टमाटो केचप और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चिली पटेटो थोड़े तीखे पसंद है तो आप इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट टेस्ट दिया है तो आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है ये। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे जिससे ये फ्लेवर तो काफ़ी अच्छा देगा, साथ के साथ दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो अब इसे मिक्स कर लीजिए। ये लीजिए गर्मा गर्म चिली पटेटो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। ये लीजिए मैंने इसे प्लेट में सर्व कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बने हैं। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको ये चिली पटेटो कैसे लगे। मैं फिर मिलूंगी मंडे को एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।